पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद चार राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की भारी जीत देखने को मिल रही है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस संबंध में अब पार्टी की ओर से जीत का जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। भाजपा के सभी नेताओं की अब इस जीत को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पीएम को जीत की बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में चार राज्यों के चुनाव परिणामों में तीन राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से हैट्रिक लगना मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी है। वहीं मध्य प्रदेश में पार्टी की एक बार फिर जीत को लेकर सीएम योगी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को विराट विजय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व के प्रति अटूट जन विश्वास की मोहर है। डबल इंजन सरकार के सुशासन, सुरक्षा और विकास को समर्पित इस जीत की सभी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी।